नमस्कार। बिलासपुर के सभी सम्मानी जनों, सभी सम्मानी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आप सबको प्रणाम। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सब, आप सबको इस वक्त मैं दो तीन बातें बताने के लिए आपके सामने आया हूं। सबसे पहली बात है कि आज का ही जो डेवलपमेंट है उसमें 7 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं कटघोरा में, और ये बहुत ही चौंकाने वाला फिगर सामने आया है। इससे बिलासपुर को सतर्क रहना चाहिए, हम सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कटघोरा जो है वो बिलासपुर से जुड़ा हुआ है और संभवतः आना जाना भी लगा रहता है, तो इससे हमको बचना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो जहां है वहीं पर रहे, किसी प्रकार का बाहर ना निकला जाए। आपकी जो भी आवश्यकता है उसके लिए जो भी नंबर उपलब्ध है, प्रशासन ने जो नंबर दिए हैं आपको, उन नंबरों में आप फोन करिए। फोन करके आपकी जो भी तकलीफ है, समस्या है, मजबूरी है, उसको बताइए। अगर प्रशासन के फोन नहीं उठ रहे हैं तो मुझे बताइए, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप उसमें फोन करके बताइए। लेकिन आप घर से बाहर ज्यादा मत निकलिए। अभी मैं चाहता हूं कि आप सब सहयोग करें कंप्लीट लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन। हम सबको बचना है, हम सबको सुरक्षित रहना है, कोई भी घर से बाहर ना निकले। मैं आज ही पता लगाया हूं, मेरे पास वीडियो आया है, मैं स्वयं कई बाजारों में पता लगवाता हूं। आज शनिचरी बाजार में इतनी भीड़ थी कि कह नहीं सकते, कितना खतरा मोल ले रहे हैं सब लोग। यही हाल है हमारे मुंगेली नाका में, यही बृहस्पति बाजार में है, यही माहौल तिफरा की सब्जी मंडी में है। इस प्रकार से पब्लिक जो है वो अपने लिए खतरा बिल्कुल ना ले। मैं आप सबसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा, अगर वो नहीं करता है तो मुझे फोन करिए आप, लेकिन आप लोग बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। अभी इस वक्त हमको बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, और सक्रियता रखते हुए आप घर पर रहिए, आराम से रहिए, घर में टीवी देखिए, जो करना है करिए आप, लेकिन आप बिल्कुल भी कनेक्टिविटी घर के बाहर मत रखिए। अभी वास्तव में खतरा है और बड़े संकट में हम लोग फंस जाएंगे। आप सबसे विनती है कि आप लोग विशेष ध्यान रखें अपना, प्लीज।